आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, डरो मत। क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप स्पीकर सर, अरे बैठ जाओ। ब्रदर, तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अरे रक्षामंत्री जी, आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर, ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। समुद्र के तट से माननीय सदस्य, प्लीज ऐसे धमकाने का बाकी मत बोलो। यहाँ पे मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो? और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता।
शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का आप जिस चीज रखो, जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता हूं। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, पिछले 3 दिवस से अनेक वरिष्ठ महानुभाव आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। करीब सभी के विचार मुझ तक विस्तार से पहुंचे भी हैं। मैंने स्वयं भी कुछ भाषण सुने भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं आज देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और अध्यक्ष जी कहते हैं भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी ने किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। ২০১৮ में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही, जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे।
और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली, यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था, और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि वो ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है, उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था, हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे वैसी एक दीर्घ दृष्टि के साथ सोचा गया था। उससे भी आपका इतराज, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है, उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए
उनके आचरण से, उनके व्यवहार से,